विद्वान जो है प्रयागदास भी जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं। थोड़ी ही देर में यहाँ से हम सब लोग जो है कलश यात्रा लेकर के निकलेंगे, तो आप लोग ये देख रहे हैं ना। जय श्री राम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी जो है समय बताए तो 9 बज चुका है और अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं जाने के लिए कलश यात्रा में। आप लोग देख सकते हैं इधर हमारा कार्ड भी मिल गया है, गए थे तो मिल गया है। फिर जो है रेडी होके हम निकल रहे हैं, तो चलिए आप सबको दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या सब तैयारी हुआ है, कलश यात्रा कैसे निकल रहा है। तो आप लोग वीडियो में बने रहना देखने के लिए। फिलहाल ये हमारा घर है, घर से अभी निकल रहे हैं, तो चलिए अभी चलते हैं। तो गाइस ये देखिए हाथी आ गई है और ऊँट आ गया है, देख सकते हैं यहाँ पे हाथी है ऊँट है। और फिलहाल अभी हम चल रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे तैयारी हो रहा है। चलो चलो सब लोग चलो, ये देखिए पीछे हाथी है। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ पे जहाँ पे कलसा का तैयारी हो रहा है, कलश यात्रा का। इधर देखिए बहुत सारे लोग आए हुए, कन्याएं आई हुई है, आप सब वीडियो में बने सब कुछ दिखाने वाले हैं। यही जो है मंदिर है, देखिए इसमें जो है भगवान जी का प्राण प्रतिष्ठा होगा इस गाइस। देखिए यहाँ पे जो है कलसा सब जो है सजा दिया गया है ले जाने के लिए, देख सकते हैं। और भी कलसा कम हो गया, इतना ना यहाँ पे कन्याएं पहुँच गई है कि कम हो गया है कलसा, तो और कलसा मंगाने के लिए गाड़ी जा रहा है लाने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बहुत ज़्यादा अधिक संख्या में कन्याएं पहुँच चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों को आने के लिए, देख सकते हैं। दोस्तों देखिए अभी जो है कलश यात्रा का तैयारी हो रहा है। यहाँ पे देखिए कितना कन्याएं सब आ गई है, भक्तगण देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है सबको प्रसाद दिया जा रहा है, प्रसाद खिला करके तब जो है ले जाया जाएगा कलश यात्रा में। आप लोग देख सकते हैं हमारे मोची नैन गांव से आज जो है कलश यात्रा निकल रहा है। गाइस अभी जो है रेडी हो चुके हैं सब कोई, सब कन्याएं जो है कलश यात्रा में जाने के लिए। यहाँ पे देखिए सब बैठिए और ये देखने ना भूले, देख सकते हैं बहुत यहाँ पे ज्यादा। सो गाइस फाइनली अभी जो है कलश यात्रा निकलना स्टार्ट हो गया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से देख सकते हैं इतना बड़ा जो है दो कतार में लाइन लगा हुआ है और कन्याएं जो है माथे पे कलश रखी हुई है। कैमरामैन ये देखिए कैमरामैन आ गए हैं साथ में, तो आप जो है चारों तरफ से वीडियो कर रहा, ठीक है। दोस्तों देखिए अभी कलश यात्रा निकलना स्टार्ट हो गया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे जो है मुंह मीठा कराया जा रहा है, उसके बाद आगे पानी दिया जा रहा है। यहाँ पे घोगा गांव में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है मिठाई है मुरब्बा। और यहाँ पे दोस्तों घोगा गांव में जो है पानी का व्यवस्था किया जा रहा है सभी कन्याएं को, तो ये बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। थैंक यू जो भी गाँव के लोग हैं व्यवस्था किए हैं उनको, दिल से धन्यवाद। पीछे हमारा नहीं हुआ, हम पीछे ही हो गए फिर लड्डू ले रहा था या पानी को ले हां चल चल तेजी में चल से बाबू। तो दोस्तों फाइनली अभी हम लोग जो है नदी में पहुंच चुके हैं जल भरने के लिए, आप सबको दिखा रहे हैं। देखिए ये रहा हम लोग के यहाँ का नदी और इसमें जो है आज जो है कलश यात्रा का जल भराएगा, आप लोग देख सकते हैं। बहुत इधर जो है कन्याएं आई हुई है, आप देख सकते हैं, देख सकते हैं।
दोस्तों आज है कलश यात्रा, आप सबको जैसे कि पता है 7 मार्च को कलश यात्रा था, तो आज फाइनली हम लोग जो आ गए हैं नदी में कलश यात्रा लेकर के, नदी में जल लेने के लिए। देख सकते हैं इधर तो पूजा हो रहा है और बहुत सारे कन्याएं आई हुई है इसमें, और हमारे देख सकते हैं जो भी सदस्य हैं कमेटी के सब लोग जो है साथ में। क्या करिएगा लोग आज का दिन, बोलिए लोग। आज का दिन जो है हम लोगों का जो है जी ठीक है, जल यात्रा था है ना। हम लोग जल यात्रा के पूरे जो है कार्यक्रम को जो है सफल बनाने के लिए हम लोग सिकराना नदी मोसी नैन घाट पर पहुँचे हुए हैं, और यहाँ जो है जल यात्रा का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। पंडित जी आचार्य लोग पहुँचे हुए हैं, जितने भी हमारे यजमान हैं वो भी लोग को पहुँचे हुए हैं। मुख्य यजमान जो है प्रयाग दास भी जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं, और तमाम यहाँ के जो है हमारे गाँव के अगल बगल के माता बहन बेटी भाई बंधु सारे लोग इकट्ठे हैं, और पूरे हर्ष उल्लास के साथ हम लोग आज जो है महाजग का जो है शुभ प्रारंभ कर रहे हैं। और आप सभी बंधुओं से मेरा आग्रह है, जो जो भी दर्शक बंधु हैं सभी लोग जो है इस जग को जो है सफल बनाने के लिए और जो है सहयोग करें, साथ ही साथ जो है इस जग में आने का कष्ट करें। तो एक बार जयकारा लगा दिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। तो दोस्तों अभी गंगा मैया के घाट पे जो है गंगा मैया का पूजा हो रहा है कि उनसे जल लिया जाए और वो जल देने का कृपा करे हम सभी को। जय श्री राम, जय श्री राम। अरे धीरे धीरे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो दोस्तों फाइनली अभी जल भराने लगा, आप लोग देख सकते हैं ये देखिए कैसे जल भर रही है। तो दोस्तों अभी जो है यानी जल भराना स्टार्ट हो गया है और हम आ गए हैं बाहर, क्योंकि उधर जो है बहुत भीड़ हो गया है। देख सकते हैं सब लोग जो है जल भर रहे हैं, देखिए लाइन ना मनियो सही सब बिना लाइन के चलियो सब क्यों नहीं कमा रहा सब। तो फाइनली हम जो है सब लोग लड़की कन्याएं सब लोग जो है कलश लेकर आ गए, ये देखिए इधर कलश रखाया है, देख सकते हैं इधर है और उधर है, पूरा मतलब के चारों तरफ से रखा गया है, और बाद में जो है फिर पूजा वूजा वगैरह होगा तो उसके बाद अंदर रखाएगा। फिर पूजा वूजा के बारे में उतना मुझे मालूम नहीं है, लेकिन रखाएगा इधर। तो आप लोग फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आप लोगों को कैसा लगा हमारे गांव का यज्ञ कलश यात्रा कमेंट करके आप लोग जरूर ही बताना। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।